नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास सिक्स NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। आगे आज हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें जितना जितने टॉपिक कवर हो गए उससे आगे का कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ब्लोविंग, यानी कि जो ब्लोविंग टॉपिक है इससे आगे के टॉपिक ब्लोविंग और इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए जरा समझते हैं आखिर ब्लोविंग क्या है। ब्लोविंग सबसे पहले एक एक्टिविटी है, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद स्वेडिस्ट पाउडर ड्राई लीव्स, यानी कि आप ड्राई सैंड यानी कि सूखी मिट्टी और कुछ सूखी पत्तियों का एक मिक्सचर बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद समझते हैं। दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट, बना लेंगे आप एक मिक्सचर। कीप, उसके बाद क्या करेंगे, इस मिक्सचर को आप एक प्लेट में या फिर एक न्यूज़पेपर पर रख लीजिए। दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और न्यूज़पेपर, यानी कि जो मिक्सचर आप बनाओगे सूखी मिट्टी का और सूखी पेड़ की पत्तियों का, तो उसे आप या फिर न्यूज उस पर एक प्लेट में रखिए या फिर एक न्यूज़पेपर पे रख लीजिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, और फिर उस मिक्सचर को ध्यान से देखना है। ठीक है, कैन यू टू डिफरेंट कंपोनेंट वी मेड आउट ईजली, क्या जो दो डिफरेंट हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, इन्हें आप आसानी से अलग निकाल लोगे। आर द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, या दोनों पार्टिकल्स का यानी दोनों पार्टी दोनों के साइज जो पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज के हैं। वुड इट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग, क्या किसी भी मिक्सचर से जैसे सूखी रेत यानी कि मिट्टी का और सूखी पत्तियों को तोड़ करके पेड़ की उन्हें आपस में मिक्स कर लिया जाए, क्या उन्हें हम हाथों से सेपरेट कर सकते हैं हैंड पिकिंग प्रोसेस के द्वारा? नहीं कर सकते। आगे समझते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, अब अपने मिक्सचर को एक थोड़ी खुली जगह में ले जाइए। एंड स्टैंड ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म, और एक लेट प्लेटफॉर्म पे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर, उस मिक्सचर को एक प्लेट में या फिर एक शीट पेपर पर रख दीजिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, ठीक है, और जिसमें आपका मिक्सचर है शीट ऑफ पेपर और रेत का, ठीक है, लीव्स का और रेत का, एट योर शोल्डर हाइट, और उसे अपने लगभग गर्दन की हाइट तक ले आइए। टिल इट स्लाइटली, और धीरे धीरे से गिराइए। सो दैट द मिक्सचर ऑफ स्लाइटली स्लो आउट, तो क्या होगा, जो सीधे सीधे आपका मिक्सचर है वो धीरे धीरे स्लाइड होता हुआ नीचे गिरेगा। वाट हैपन, जब क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड स्वेडिस्ट पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, जब क्या दोनों चीज़ें जो हमारी मिट्टी है और जो लीव्स हैं वो सेम जगह पर गिरेंगी, यानी कि एक ही स्थान पर गिरेंगी, जहाँ पर मिट्टी गिरेगी वहीं पर लीव्स गिरेंगी? नहीं दोस्तों, चलिए समझते हैं। कंपोनेंट द सैंड एंड स्वेडिस्ट पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, क्या एक ही जगह पर गिरेंगी? इस देयर ए कंपोनेंट डेट ब्लोज अवे, यानी मीन्स उनमें से कोई कंपोनेंट होगा जो कि काफ़ी दूर उड़ जाएगा। ठीक है, डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट, क्या हम बाइने से दो चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड ब्लोइंग, यानी कि बाइंड के द्वारा, बाइंड की हेल्प से, ठीक है, दो चीज़ों को अलग करना, यानी कि दो चीज़ों के, एक हल्के और भारी चीज़ों के मिक्सर को अलग करना, ये कहलाता है दोस्तों ब्लोविंग। ठीक है, इसे हमारी हिंदी में सहलाना कहते हैं। ठीक है, ब्लोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, यानी ब्लोइंग का इस्तेमाल हल्के और भारी चीज़ों को अलग करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक चीज़ हल्की मिक्स दो किसी में, एक भारी, तो दोनों चीज़ों की मिक्सचर को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लोइंग। और ए मिक्सचर ऑफ बाइंड और ब्लोइंग एयर, यानी और कब किया जाता है ये, जब केवल हवा चल रही हो, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये हमारा ब्लोइंग प्रोसेस है। आगे देखिएगा दोस्तों, समझते हैं डिटेल में। दिस मेथड इज कॉमन, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय
फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। इसका इस्तेमाल दोस्तों किसानों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो हमारे अनाज के बीज होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, यानी कि वेट उनका ज़्यादा होता है, और जो उनका हस्क होता है, ठीक है, यानी कि उनकी जो लकड़ी होती है या फिर जो पेड़ होता है वो पूरा काफ़ी हल्का हो जाता है, यानी कि ग्रेन, जिससे जिस बाल से, ठीक है, ग्रेन निकलता है यानी अनाज निकलता है, वो किसी कोटिंग के अंदर बंद होता है, तो उसकी जो कोटिंग होती है वो काफ़ी हल्की होती है, उसे पीटने से ग्रेन और वो अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अनयूज्ड पार्टिकल जो हमारे ग्रेन में मिक्सड रहते हैं, जिन्हें कि हमें अलग करने की आवश्यकता रहती है, इसे अलग करने के लिए हमें यही प्रोसेस यानी कि विनोइंग अपनाना पड़ता है। द हस्क पार्टिकल आर कैरियर अवे बाय विंड, यानी कि जो हस्क के पार्टिकल है, यानी कि जो घास है उसमें हमारे अनाज में, वो दूर उड़ जाती है। द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेट फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिंग, और जो बीज होता है वो उस पे जहाँ पर वो उसे जिस चीज़ के ऊपर स्प्रेड करके उसे फैलाते हैं वो वहीं गिर जाता है, और हस्क उससे दूर उड़ जाता है हवा की हेल्प से। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी परपसेज सच एज फूडर एंड फॉर कैटल, और जो सेपरेटेड हस्क है उसे कई पर्पसेस से यूज किया जाता है, जैसे अपने गाय भैंसों को चारा बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीविंग। सीविंग को भी दोस्तों अच्छे से समझते हैं। देखिए, समटाइम्स वी मे विश टू सेपरेट अ डिश विद फ्लोर, ठीक है, कभी कभी हमने देखा है कि जो हम एक डिश तैयार करते हैं आटे से, ठीक है, यानी कि फ्लोर मीन्स आटा, आटे से वी विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर, यानी कि हमें कोई भी भोजन या कोई चपाती वगैरह अगर बनानी होती है, रोटी वगैरह फ्लोर से, तो क्या करते हैं, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, तो हमें उससे जो हमारे आटे में कोई भी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है। व्हाट डू वी डू, तब हम क्या करेंगे, वी यूज ए सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, जब हमें एक सीव यानी कि छलनी की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम आटा उस छलनी में डालेंगे, आटा उससे नीचे निकल जाएगा और जो उसके इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उस छलनी में ही रह जाती हैं। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल पास थ्रू देम होल्स, यानी कि सीविंग में क्या होता है, जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं वो उसके होल्स से नीचे निकल जाते हैं, होल्स से, ठीक है, वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव, और जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमारी सीव में ही रह जाती हैं, यानी कि छलनी में ही रह जाती हैं। अब बात करते हैं इन्हें फ्लोर मील, अगर फ्लोर मील की बात की जाए, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर सेपरेट रिमूव फ्रॉम बीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, यानी कि जब गेहूं की पिसाई होनी होती है, गेहूं से आटा बनाना होता है, उस समय क्या करते हैं, हमारे जो फ्लोर मील्स होते हैं जहाँ पर आटा बनाने की फैक्ट्री होती है, ठीक है, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क, जैसे हस्क होते हैं, स्टोन पीसेस होते हैं, वो रिमूव किए जाते हैं बीट से उसे पीसने से पहले, यानी उनका आटा बनाने से पहले। यूजली ए बैग फुल ऑफ बीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंडिंग सीव, तब हम एक गेहूं का भरा हुआ बैग उसमें स्लैंडिंग सीव में डालते हैं। द सीव रिमूव पीस ऑफ स्टोन, तो जो सीव होती है वो उससे छोटे छोटे कंकड़ों के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े, स्टॉक एंड हस्क दैट मे बी स्टिल रिमेन बीट आफ्टर थ्रेसिंग द विनोइंग, ठीक है, और उन सब चीज़ों को निकाल देती है जो विनोइंग प्रोसेस के द्वारा उसमें रह जाती है। आगे समझते हैं दोस्तों, अब ये है देखो सीविंग का डायग्राम, ये एक छलनी ली है इन्होंने, एक छलनी ली है और नीचे बर्तन में उससे आटा आटा निकलता जा रहा है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसी में रह जाएंगी, ऐसा कर रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आई होगी बात। आगे समझते हैं, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बिंग यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे सीव हम आटे को छानने के लिए करते हैं, वैसे ही सेम प्रकार की सीव हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखते हैं, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है पेवल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, यानी कि इससे क्या करते हैं, हम जो कंकड़ पत्थर हमारे सैंड यानी कि रेत में आ जाते हैं उन्हें हम उससे अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, टू सेपरेट पेवल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड, इनका इस्तेमाल मतलब हमारे रेत से जो हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चाहिए होता है, ठीक है, उससे हमें अलग करने पड़ते हैं। आगे समझिए एक्टिविटी क्या कहती है, ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम, यानी क्या, एक सीव लीजिए आप, छलनी लीजिए और थोड़ा सा आटा अपने घर से ले आइए, ठीक है, टू द क्लास, क्लास में सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट,
और फ्लोर को सीव करिए और उसे अलग करिए जिसमें कोई इम्प्योरिटी हो। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस एंड मिक्सड विद द फ्लोर, यानी कि चॉक पीस के कुछ फाइन पार्टिकल को पाउडर बना लीजिए और उसे आटे में मिक्स कर दिए। कैन बी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर चॉक बाय सीविंग, क्या हम चॉक पाउडर के द्वारा आटे को और चॉक पाउडर को अलग अलग कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर हैव डिफरेंट साइड, यानी कि सीविंग का इस्तेमाल हम जब ही कर सकते हैं दोस्तों जब हमारे दोनों कंपोनेंट का साइज डिफरेंट हो, यानी कि छोटा बड़ा हो। अगर सेम साइज के कोई कंपोनेंट हो उन्हें हम सीविंग की हेल्प से अलग नहीं कर पाएंगे, यानी कि आटे और चॉक पाउडर को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे सीविंग की वजह से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब समझते हैं दोस्तों सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन है क्या ये। यानी कि फिल्ट्रेशन का मीन्स होता है दोस्तों किसी चीज़ को फिल्टर करना, यानी कि छानना, ठीक है, फिल्टर करना। आगे समझते हैं दोस्त। समटाइम्स यानी कभी कभी इट मे बी नॉट टू बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर बाय विनोइंग और हैंड पिकिंग। कभी कभी क्या होता है हमें ऐसा मिक्सर भी मिल जाता है जो कि संभव नहीं हो पाता किसके द्वारा, हैंड पिकिंग और विनोइंग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सोइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। यानी कि कभी कभी क्या होता है देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, जैसे डस्ट है, सोइल पार्टिकल हैं एक राइस पल्सेस में। हाउ सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्स बिफोर, तो हम ऐसी इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट करेंगे राइस और पल्सेस से, फ्रॉम राइस और पल्स बिफोर कुकिंग, कुकिंग यानी पकाने से पहले। राइस और पल्स आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, यानी कि राइस और पल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वॉश मतलब धुले जाते हैं उसे पकाने से पहले। वेन यू एड वाटर टू दिस, जब हम तुम वाटर ऐड करोगे जिसमें द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट एंड सोइल, जो इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे डस्ट एंड सोइल बस जाती है हमारी। राइस पल्स और यूजली वॉश बिफोर कुकिंग, यानी कि हम जैसे चावल और दाल को पकाने से पहले धोते हैं, ठीक है। व्हेन यू ऐड वाटर दिस द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट एंड सोइल, तो जो डस्ट में, डस्ट और सोइल हमारी दाल में रह जाती हैं चावल में, वो पार्टिकल गेट सेपरेटेड, वो अलग हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर, वो किस में चली जाती है, वाटर में है। विच बिकम ए लिटिल मडी, जो कि थोड़ा गंदा हो जाता है। नाउ वाट विल सिंक द बॉटम ऑफ द वेजल्स, तो क्या होगा जो बॉटम है वेजल्स के बॉटम में क्या सिंक होता है, राइस और डस्ट। वाई राइस और डस्ट, हैव यू सीन दैट वेजल्स इज टिल्ड टू पोअर आउट डर्टी वाटर, हमने देखा है कि हम उससे टिल्ड कर सकते हैं डर्टी वाटर से। वेन यू हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर एडेड टू द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन, यानी कि जब कभी कोई भारी चीज़ होती है हमारे वाटर में मिक्सड हुई तो हम उसे कुछ समय के लिए वाटर को बिना डिस्टर्ब किए रख देते हैं और उससे ऊपर पानी को निकाल देते हैं। यानी कि कुछ चीज़ को कुछ पानी में कोई हैवियर पार्टिकल्स को मिक्स करने पर अगर उन्हें हम सेपरेट करना है तो पानी को कुछ समय के लिए, यानी कि उस लिक्विड को कुछ समय के लिए रखना पड़ेगा और फिर ऊपर से उसे टिल्ट कर लेंगे हम। वेन द वाटर अलोन विद द डस्ट, जब वाटर डस्ट के साथ होता है, इज रिमूव, जब रिमूव करनी हो तो द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, यानी कि जब हम वाटर से डस्ट को अलग कर रहे होते हैं वही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। यानी कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई चीज़ जो वाटर में मिक्सड हो गई है हमारी, ठीक है, यानी किसी भी लिक्विड में मिक्स हो गई है उसे हम उससे अलग कर रहे हैं, यानी कोई गंदी चीज़, तो हम पानी को कुछ देर के लिए रख देते हैं उस लिक्विड को बिना डिस्टर्ब किए जिससे वो उसके बॉटम में सेटल हो जाती है, ठीक है, और फिर ऊपर से हम उस लिक्विड को धीरे धीरे उससे दूसरे बर्तन में कर लेते हैं। यही प्रोसेस है हमारे बच्चों सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फिगर 5.8 में आप देखेंगे, लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेट थ्रू द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, चलिए और भी कई चीज़ें देखते हैं जिसे हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं इसी सेम प्रिंसिपल्स के द्वारा। चलिए दोस्तों, दिस सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, यही सेम प्रिंसिपल दो चीज़ों के लिक्विड को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट डू नॉट मिक्सड विद ईच अदर, जो कि आपस में मिक्सड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, जैसे कि वाटर और ऑयल,
देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय दिस प्रोसेस, उनके मिक्सचर को भी हम इस प्रोसेस के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, यानी कि अगर हम वाटर और ऑयल के मिक्सर को कुछ समय के लिए बिन अनडिस्टर्ब करे रख देंगे, यानी कि बिना डिस्टर्ब किए, तो वो उनकी ऑयल और वाटर की दो सेपरेट लेयर यानी कि अलग अलग लेयर बन जाएंगी। देन बी सेपरेट बाय डिकेंटेशन, जब हम उसे डिकेंटेशन के द्वारा धीरे धीरे दूसरे बर्तन में एक लिक्विड को कर लेंगे और उसमें एक दूसरा लिक्विड रह जाएगा। अगे देखते हैं, लेट अस अगेन कंसिडर्ड ए मिक्सचर ऑफ सोलिड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टी, यानी कि चलिए अब देखते हैं कि जब हम टी को तैयार करते हैं यानी कि चाय को, जब हम दो मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं, ठीक है, टी लीव्स के द्वारा। ट्राई डिकेंटेशन, आप ट्राई डिकेंटेशन से भी कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल ए लिटिल बट डू यू स्टिल गेट फ्यू लीव्स इन योर टी, यानी कि ये काफ़ी हेल्पफुल तो है कि अगर चाय से हम चाय की पत्ती को अलग कर देंगे फिर भी कुछ टी उसमें रह जाती है। नाउ पोर द टी थ्रो स्ट्रेनर, अब उसे हम स्ट्रेनर की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यही है सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, यानी कि आपने वाटर में थोड़ी आपके वाटर में थोड़ी सैंड मिक्स हो गई तो आप वाटर को कुछ समय के लिए रख दीजिए, ठीक है, फिर उस तरीके से धीरे धीरे इस वाटर को इसमें कर दीजिए, यानी कि इसमें गंदगी रह जाएगी और ये प्योर वाटर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही अगर आप ऑयल के साथ करते हैं तो ऐसे ही किसी में ऑयल मिक्स हो गया, इसे एक बर्तन में कर दीजिए तो उसकी दो लेयर बन जाएंगी, एक नीचे की लेयर एक ऊपर की लेयर, तो धीरे धीरे आप एक ऑयल को दूसरे ऑयल से वाटर से अलग कर सकते हो। चलिए आगे समझ सकते हैं, फिल्ट्रेशन क्या है। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन द स्टेनर, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे जैसे हम चाय बनाते हैं यानी कि घर में चाय बनाते हैं तो उसमें टी लीव्स डालते हैं यानी चाय की पत्तियाँ डालते हैं, तो वैसे तो हम चाय को सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ टी लीव्स रह जाती हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम फिल्ट्रेशन फिगर 5.1 में दो देखेंगे हम। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि हमारे लिए कौन सा मेथड बेटर है चाय से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों मेरे नज़रों में, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका फिल्ट्रेशन बेटर रहेगा क्योंकि वो शॉर्ट टाइम पीरियड है, आसानी से आप उसे फिल्टर कर सकते हो स्ट्रेनर की हेल्प से, ठीक है। लेट अस यूज कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज, यानी कि जो पानी हम यूज करते हैं उसी का उदाहरण लेते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम, ठीक है, गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हम सही सुरक्षित पानी पीते हैं। समटाइम्स वाटर इज सप्लाई थ्रू टेप में भी मडी, कभी कभी क्या होता है जो आपके नल से पानी आता है वो मडी यानी कि गंदा होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर में आल्सो भी मडी, यानी कि जो पानी तालाब और नदियों में इकट्ठा हो जाता है वो भी कैसा होता है, गंदा होता है, स्पेशली आफ्टर रेन, यानी कि ज़्यादातर कब ऐसा होता है, बारिश के दिनों में तो रियली गंदा हो जाता है। लेट अस सी इफ कैन बी यूज मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटी लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर, यानी चलिए देखते हैं कि हम वाटर से सोइल को कैसे अलग करेंगे। देखिएगा, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और रिवर, यानी कि कुछ मडी वाटर यानी गंदा पानी आप किसी तालाब या नदी से ले आइए। इट इज नॉट अवेलेबल, अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो मिक्स सम सोइल टू वाटर ऑफ इन ए ग्लास, तो आप क्या करें आप एक ग्लास पानी में थोड़ी मिट्टी को मिक्स कर दें। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन ओवर, और उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और वाटर को अच्छे से देखें और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें। डज सम सोइल सेटल एट द बॉटम, जब क्या होगा आप देखेंगे कुछ मिट्टी है जो उसके बॉटम में क्या हो गई है, सेटल हो गई है वाटर के। वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, क्या क्यों ऐसा हुआ है और इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, चलिए देखते हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, आप धीरे धीरे उस ग्लास को थोड़ा टेढ़ा करिए और उससे उस पानी को निकालिए। लेट अस वाटर फ्रॉम टेप फ्लो इन द अनदर ग्लास, ठीक है, दूसरे ग्लास में उसे कर लीजिए, ठीक है, टॉप से उसे फ्लो करिए दूसरे ग्लास में। What will you do call this process? इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? क्या जो दूसरे वाटर ग्लास में आपने पानी किया है उसे कुछ समय
सेटल होने के बाद उसकी मिट्टी को, तो नाउ फिल्टर इट, तो इसे फिल्टर कर लिया। डिड द टी स्टेनर वर्क, तब क्या इसमें टी स्टेनर वर्क करेगा? नहीं करेगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग थ्रू ए पीस ऑफ क्लोथ, और ट्राई करिए एक कपड़े के पीस से, ठीक है, उसे क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ठीक है। इन ए पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल और द पोअर रिमेन द बिटवीन द वूवन थ्रेड, ठीक है, उसमें पोअर जो वूवन थ्रेड होते हैं उनमें ही रह जाएगा। दिस पोअर पोर्स ऑन अ क्लोथ कैन बी यूज फॉर फिल्टर, यानी कि ये पोर हम फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं। इन द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेट बाई फिल्टर हैज बीन इवन दैट हैज इवन स्मॉलर पोर, यानी कि हम ऐसी चीज से भी उसे फिल्टर कर सकते हैं जिसमें काफी बारीक छेद हों। ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी लिटिल फाइन पोर इन इट, यानी कि ऐसा एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें काफी छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, फिगर 5.9 में आप देखेंगे। सो दैट स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर, यानी कि इसलिए हमें किसका इस्तेमाल करेंगे अब, यानी कि पानी से, पानी को प्योरीफाई करने के लिए फिल्टर पेपर का। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन फॉर्म कॉइन, यानी कि फिल्टर पेपर को आप फोल्ड कर लीजिए और कॉइन बना लीजिए, उसे कोन बना लीजिए। फिक्स्ड ऑन टू ए फनल, और उसे एक फनल में फिक्स्ड कर दीजिए। द मिक्सचर इज देन पोअर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और इस मिक्सर को फिर फिल्टर पेपर पर पोअर कर दीजिए। सोलिड पार्टिकल्स इन मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, यानी कि जो सोलिड पार्टिकल होंगे उससे पास नहीं होंगे और वो हमारे फिल्टर पर ही रह जाएंगे। जैसा देख रहे हो दोस्तों, ऐसे इस तरीके से आप पानी को फिल्टर कर सकते हो, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो आपके फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और प्योर वाटर जो है आपको नीचे प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। हाँ जी, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प, यानी कि जो फ्रूट और वेजिटेबल जूस होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग, यानी कि जो फ्रूट और वेजिटेबल जूस होता है उसे भी हम फिल्टर करते हैं पीने से पहले। सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल और पल्प, यानी कि क्या करने के लिए, उसे उसके सीड और उसके सॉलिड पार्टिकल और पल्प को अलग करने के लिए। द मेथड ऑफ फिल्टरिंग इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर, यानी आवर होम्स, यानी कि यही सेम मेथड जब हम पनीर तैयार करते हैं तो घर पे उससे पानी को अलग करने के लिए किया जाता है। यू माइट हैव सीन दैट मेकिंग पनीर, आपने पनीर को बनाते हुए किसी को देखा होगा। ये फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल, यानी कि अभी क्या करते हैं हम, कुछ बूंदें नींबू की उसमें ऐड करते हैं जब उसे दूध को हम बॉईल कर रहे होते हैं। दिस गिव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोलिड पनीर एंड लिक्विड, तब ये हमें क्या प्राप्त होता है, एक मिक्सचर प्राप्त होता है पार्टिकल का, जो कि क्या होता है, सोलिड और लिक्विड, यानी कि सोलिड पनीर और लिक्विड वाटर, ठीक है। तो द पनीर देन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचरिंग थ्रू द फाइन क्लॉथ और स्टेशनर, तब क्या करते हैं हम पनीर को अलग अलग करते हैं एक अच्छे से कपड़े के द्वारा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, यानी कि पनीर इज देन सेपरेट बाय फिल्टरिंग, तो हम पनीर को सेपरेट करते हैं किसके द्वारा, फिल्टरिंग के द्वारा। द मिक्सचर थ्रो ए फाइन क्लॉथ, यानी कि जो मिक्सचर होता है उनका, उनके फाइन क्लॉथ से निकल जाता है और स्टेनर, या फिर एक स्टेनर से। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा इवोपरेशन, जिसे कि हम पार्ट नंबर 3 में कवर करने वाले हैं। ये था आपका पार्ट नंबर 2 जो कि यहीं पे एंड होता है। आगे का जो बचा हुआ मटेरियल है जिसे हम पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।